सिटी में रहती हूँ यहाँ पे, एंड एक महीने से मैं यहाँ पे कैद में हूँ इस घर में। मेरे खुद के हस्बैंड जो है अभय गणपतराव हतनेकर और उसकी बेटी दोनों मिलके और उसके जवाई तौफीक खान, प्रियंका तौफीक खान, ये लोग मुझे मेरा घर का लाइट एंड पानी सब कुछ बंद करके रखे। इवन मेरे बेटे को ये लोग ने इस घर में लॉक लगा के रखे। तो मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल की एंड कॉन्स्टेबल लोग आए, मेरी बहन सबसे पहले आई एंड फिर उसने लॉक वॉक खोली। एंड ये काफ़ी टाइम से चल रहा है मेरे साथ अत्याचार। उसने मेरे साथ शादी किया है, धोखा से उसने मेरे साथ शादी किया है। ये मेरे शादी का सर्टिफिकेट है। एंड मैंने इवन डीसीपी सर को कंप्लेंट लिखी हूँ। कम से कम मेरे पास 8-10 कंप्लेंट लेटर्स है, लेकिन एक्शन कुछ भी चीज़ पे नहीं हो रहा है। मुझे बुलाते हैं पुलिस स्टेशन एंड एनसी दे के मुझे छोड़ देते हैं। व्हाट अबाउट जस्टिस? आज मेरे साथ जो हो रहा है उसका क्या, जस्टिस कब होगा? क्या पुलिस स्टेशन इसीलिए होता है कि एनसी दे के भेजो? और जब हमने पुलिस को बुलाया यहाँ पे कि उनको पकड़ो जाके जिसने मेरे बेटे को लॉक लगा के ये किया है, एंड इवन मेरे बच्चे को रास्ते पे अमृता प्रियंका ने मारी, तभी भी पुलिस ने कुछ नहीं की। अब मैं क्या करूँ, किससे जस्टिस मांगूँ मैं? पुलिस किस लिए होती है आप बताइए? बड़ी मुश्किल से मैं इनसे कांटेक्ट की हूँ, ये चैनल से मैंने कांटेक्ट की हूँ, और इन्होंने मेरे लिए भाग के आए हैं मेरे लिए हेल्प करने के लिए। अब मैं क्या करूँ बताइए, मुझे जस्टिस चाहिए। कुछ नहीं, रिटायर्ड है वो, रिटायर्ड है। तकलीफ मतलब कि अभी बीमार थे वो हॉस्पिटल में, मैंने उनको लेके गई मानव कल्याण हॉस्पिटल में, उनको लेके गई पूरा रात के 1:30 बजे। एंड इनकी बेटियों को कुछ पता नहीं था मैरिज के बारे में, बाद में पता चला तो बेटी लोग ने पूरा उनको अपने तरफ कर दिए, लेकिन वो तो दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि बेटी के तरफ हो जाए। तो बेटी के बाप है वो, उनको डिसीजन लेने का पूरा हक है अपना लाइफ का। एंड उसके बाद से ही वो भी मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। मुझे अकेले में बुला के यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड के पास तीनों चारों जो लोग अकेले में बुला के, इवन मुझे गाड़ी में भर के किडनैप करके मुझे लेके जा रहे थे गई। पर मैंने पुलिस को, मेरी बहन को जैसे बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, घेर के मुझे 4 जन खड़े हो गए हैं एंड बोल रहे पुलिस को अगर मुँह खोलेगी तो तेरे को हम लोग जान से मारेंगे। तो मेरी बहन ने बोली जल्दी से 100 नंबर पर कॉल कर और पुलिस को बुला। 100 नंबर पे कॉल की तो कुछ कॉल लगा नहीं मेरा, तो मेरे बाजू में एक ऑटो खड़ी थी, मैं फटक से ऑटो में बैठ गई एंड उनको मान पड़ा पुलिस स्टेशन लेके गई। मतलब उनको बोली मान पड़ा पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, वो लोग भी मान पड़ा पुलिस स्टेशन आए एंड वहाँ पे बात हुई। एंड उनको पुलिस ने पूछी कि क्या आपने इनसे शादी की, तो उन्होंने कबूले बोले कि हाँ मैंने इनसे शादी किया है, लेकिन बोलते हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊँगा इसका। जी मुझे एक शेल्टर चाहिए इस घर में, इस घर को लेके उनकी बेटियाँ मुझे टॉर्चर कर रही है बहुत ज़्यादा। ना मैं घर के बाहर निकल सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, घर के अंदर कैद हूँ मैं। ये घर किसका है? ये मेरे हस्बैंड का घर है, अभय गणपतराव हतनेकर। तो क्या कर रही हो? उनका काम कुछ नहीं, रिटायर्ड मैन है वो, उनका एज 67 ईयर्स उनका एज है। 2019 में जैन मंदिर में हमारी शादी हुई है। We have proof of that. हाँ, वो सब है मेरे पास। अभी आप आगे सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? सरकार या पुलिस प्रशासन या कोई भी महिला मंडल या मुख्यमंत्री से क्या संदेश देना चाहते? यही संदेश देना चाहती हूँ कि मुझे एक शेल्टर चाहिए बस, एंड उनको, उन लोग ने जो मेरे साथ किए हैं, मुझे जस्टिस चाहिए कि आगे जाके किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। ऐसा क्या खौफ है यहाँ पर जो आपके बच्चे यहाँ पर नहीं रहते? बच्चे इसलिए नहीं रहते कि वो लोग, जब मेरा बेटा नीचे जाता है तो वो उसकी बेटी पकड़ के उसको हाथ वाथ चलाती है, तो मेरा बेटा बोलता है मुझे नहीं रहना इधर पे, मैं कहाँ रहूँ फिर? हाँ, वो लोग सामने ही कैस्पियाना में रहते हैं एंड नीचे वॉचमैन लोग, अगर मैं थोड़ा भी नीचे जाऊँ तो नीचे वॉचमैन लोग खबर दे देते हैं कि ये यहाँ गई, सुपरमार्केट गई। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।